हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों को मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर दें दोस्तों, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा एग्ज़ाम से रिलेटेड या नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई जॉब का, वो आप लोगों को समय पर मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार टेट के बारे में, इनका जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। मैं आज किस किस का कौन कौन सब्जेक्ट का कट ऑफ बताने वाला हूँ सो सुनिएगा। सोशल साइंस का कट ऑफ बताने वाला हूँ, साइंस का कट ऑफ बताने वाला हूँ, ओके। उसके बाद लिटरेचर यानी कि इंग्लिश, हिंदी और फिर संस्कृत, इनका कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो हम साइंस का भी, इसमें तो बोल चुका हूँ मैं, मैथ का भी आप लोगों को कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिटरेचर का सब्जेक्ट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के बारे में दोस्तों, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर आप लोग का इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट है तो कट ऑफ आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो मेल हैं उनका जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपका जाने वाला है 100 नंबर मेल के लिए, ठीक है। और जो फीमेल कैटेगरी के लोग हैं उनका कट ऑफ आपका 93 के बीच में जाने वाला है फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, ये अनरिजर्व कैटेगरी हो गया है। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए बात करते हैं तो ओबीसी में जो कट ऑफ जाने वाला है मेल के लिए वो जाने वाला है आपका 93 नंबर, और जो फीमेल है उनका जाना है कट ऑफ 88 नंबर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम आप लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, ठीक है दोस्तों। तो EWS में जो है वो मेल का कट ऑफ 92 नंबर जाने वाला है, और जो फीमेल का कट ऑफ है दोस्तों, जो फीमेल का कट ऑफ है वो आपका 86 नंबर जाने वाला है फीमेल का कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं हम EBS के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ओके। EBS का जो कट ऑफ है दोस्तों वो जाने वाला है आपका मेल के लिए 92 या 3 नंबर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ये कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कभी कम चला जाता है, ठीक है। और बात करते हैं फीमेल के लिए, तो ये जो कट ऑफ है वो जाने वाला है आपका 87 या 86 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम एससी कैंडिडेट के लिए, ये मैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का बता रहा हूँ। एससी कैंडिडेट के जो लोग हैं उनका कट ऑफ 88 जाने वाला है मेल के लिए, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ 82 जाने वाला है फीमेल कट ऑफ के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट जो कट ऑफ है आपका वो एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए है। तो जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनका कट ऑफ जो मेल हैं उनका जाने वाला 85, और जो फीमेल है दोस्तों उनका कट ऑफ 77 तक जाने वाला है। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस का, ठीक है। ये आपका हिंदी बता चुका हूँ मैं, अब सोशल साइंस के कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सोशल साइंस का जो कट ऑफ है दोस्तों वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल के लिए आपका जाएगा 110 नंबर, ठीक है। फीमेल के लिए जाएगा 102 से 105 नंबर तक, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम आपका ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए, तो ओबीसी जो कैटेगरी है उनका कट ऑफ जाने वाला 105 नंबर मेल के लिए और 100 नंबर फीमेल के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम एक ईबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो ईबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों उनका मेल का कट ऑफ 102 नंबर, और जो फीमेल का कट ऑफ है वो आपका 97 नंबर जाने वाला है। बात करते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनका जो कट ऑफ है वो मेल के लिए आपका 103, और जो फीमेल हैं उनका कट ऑफ 97 जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपका जाने वाला है 99 नंबर मेल के लिए, ओके। तो दोस्तों मैं एससी कैंडिडेट का बता रहा था आप लोगों का, जो एससी कैंडिडेट का लोग हैं उनका मेल का जो होगा वो कट ऑफ जाएगा आपका 99, और जो फीमेल होंगे उनका कट ऑफ 95 जाने वाला दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम एसटी कैंडिडेट के बारे में, तो एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एसटी कैंडिडेट का जो है कट ऑफ वो 90 नंबर,
और जो मेल है ये, और फीमेल के लिए 88 नंबर फीमेल के लिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो साइंस में बात करते हैं सबसे पहला कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो मेल के लिए 105 नंबर और फीमेल के लिए 96 नंबर जाएगा दोस्तों। ये मेल है और फीमेल कैटेगरी है, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो मेल के लिए 100 और फीमेल के लिए 91 नंबर जाने वाला है, मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम ईबीएस का, ठीक है। अब बात करते हैं हम दोस्तों ईबीएस कैटेगरी के लिए, तो ईबीएस कैटेगरी का जो मेल है, ठीक है, जो मेल है उनका जो कट ऑफ है वो 93 जाने वाला है, और जो फीमेल है दोस्तों उनका कट ऑफ 87 तक जाएगा, ठीक है। मैं साइंस का बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 90 नंबर जाने वाला है मेल के लिए, ठीक है, 90 या 93 इन दोनों के बीच में जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फीमेल के लिए, ये मेल हो गया आपका। अब फीमेल के लिए बात करते हैं दोस्तों, तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपका 87 या 88 तक जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो मेल के लिए आपका 88 से 90 के बीच में जाने वाला है, और जो फीमेल का कट ऑफ है दोस्तों वो आपका कट ऑफ 78 से लेके 80 के बीच में रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए, तो एसटी कैटेगरी का जो मेल है उनका कट ऑफ 87 तक जाएगा, और जो फीमेल हैं उनका कट ऑफ आप लोगों का 78 से 79 के बीच में रहेगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और बताएं कि आपका कितना नंबर है दोस्तों। थैंक यू।